और चलिए बात कर लेते हैं पांच के पंच की आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि राजस्थान से है। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद भजन लाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया है तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर तक हंसी मजाक करते रहे। प्रेमचंद बैरवा शपथ लेने के बाद सचिवालय पहुंचे और उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर के कई साधु संत शामिल हुए हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के तो आज जो है राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई साधु संत मंच पर उपस्थित रहे। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, बात की जाए तो आज तीसरे राज्य यानी कि जिन तीन राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई थी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर, उनमें आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और यहां पर पीएम मोदी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जी जान से जुटी रहेगी। इस बयान के क्या माने दिखे जाए? देखिए, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री 14वें बने भजन लाल जी, उन्होंने शपथ के दो डिप्टी मिनिस्टर भी बने, पहली बार इतिहास में मैंने देखा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तब तक तो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते आए थे। और देखिए, हमारे हिस्से में प्रधानमंत्री आए थे, आपको पता है प्रभारी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कहा है, जो गारंटियां दी है, उस गारंटियों का प्रभाव देखेगा। और अभी देखिए, शपथ ग्रहण के बाद अभी उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया, फिर उसके बाद दिया कुमारी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है उनको भी कार्यभार ग्रहण कराया। पहली बार देखा कि देखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे और बाकी के सभी लोग सीनियर्स ने मुख्यमंत्री जी को कार्यभार दिया है। अब मेरे को लगता है कि अगर कैबिनेट की बैठक होगी तो निश्चित रूप से वो जनहित के फैसले, जो हमारे को लगता है कि पहला बार हो सकता है कि 450 का सिलेंडर की बात करें, या वो कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में जांच SIT का गठन किया जा सकता है। एक और बात है, सबसे बड़ी बात है जो पेट्रोल डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल की बात अभी करेंगे या बाद में करेंगे 1 महीने बाद? तो इसका मतलब है कि जो गारंटी दी थी उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तो लोकसभा के चुनाव है, इसलिए करके दिखाना है, नहीं तो फिर आपको जनता दिखाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, जन लोगों के बीच से आए, वो बड़े पद पर कोई थे नहीं, संगठन के लोग थे। और आज जीत करके जिस प्रकार से उन्होंने शपथ लिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थान में एक नया सूरज उगा है जो निश्चित रूप से हमको देगा, रोशनी भी देगा और आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। लेकिन श्याम सुंदर जी, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर कई दिनों तक जद्दोजहद रही है मुख्यमंत्री को लेकर, वसुंधरा राजे अड़ी रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर, ऐसे में क्या भजन लाल शर्मा स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर अपना जो दायित्व निभा पाएंगे या दबाव के चलते काम करेंगे?
देखिए जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और अमित शाह का हाथ हो फिर उसके पास किसी की जरूरत दूसरे की होती नहीं है। अभी देखिएगा वसुंधरा राजे इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे कि उनके बेटे को लोकसभा का चुनाव उनको लड़ाना है, इसलिए बेटे की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए पहली बार वो अगर नाराज होती तो फिर आज वो मुख्यमंत्री की शपथ के बाद वो सीएमओ क्यों आती, वहां पर उनको बाकायदा कमरे में बैठा करके बैठा और करके आई है, तो इसका मतलब है कि उनको खुद को जरूरत है। और सबका साथ सबका विकास जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, आपका बहुत बहुत। तो बता दें आज भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जिन्होंने शपथ ली है। तो बता दें आज राजस्थान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है जिसमें भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो वहीं बात किया है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। खबर यह भी है कि प्रेमचंद बैरवा ने सचिवालय पहुंचकर अपना जो कार्यभार है वह संभाल लिया है। मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार जो दायित्व है उसको अर्जित कर लिया है और काम भी शुरू हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एकजुटता के साथ राजस्थान में बीजेपी काम करेगी। जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है उनके बयान में सामने आया है कि जी जान बीजेपी लगा देगी। तमाम प्रकार के यहाँ पे परीक्षाओं को लेकर भी घोटालों की बात सामने आई है, लीक पेपर लीक मामले सामने आए उसको लेकर भी जांच की बात कही है पीएम मोदी ने।